हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ इस एंटिक लुक वाला लिप किस तरह से मैंने बनाया है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। एंड यहाँ पे मैंने कुछ फेविक्रिल के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फेविक्रिल के मोल्डिट ले लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फेविक्रिल के मोल्डिट लिया है। एंड इस पे आपको हार्डनर एंड रिजाइन दो मिलता है, एक रेड कलर में और एक ब्लू कलर में। सो वी नीड सम टेलकम पाउडर। सो मैं यहाँ पे जो है दोनों पैकेट खोलूँगी एंड आपस में दोनों को इक्वल क्वांटिटी में ही यूज़ करना रहता है। तो जब भी आपको जो भी छोटे या बड़े कोई भी आर्टिकल्स बना रहे हैं, कोई भी क्राफ्ट चीज़ें आप बना रहे हैं, आप जितना भी अमाउंट चाहिए आप दोनों को सेम अमाउंट में लेंगे। देन आप देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ एंड बेस में मैं थोड़ा सा यहाँ पे पाउडर लेके बेलन की हेल्प से इसको बेल रही हूँ, जैसे कि रोटी हम लोग बनाते हैं। ओके, सो हम लोग को सरफेस में हमेशा पाउडर लगाना है एंड हैंड में भी आप हमेशा पाउडर लगा के ही काम करेंगे। देन आपको जो भी लिप शेप्स का बनाना है उसको आप देख लीजिए कि आपका जितना बड़ा वो जो रोटी जैसा बनाया है वो कौन से साइज़ में है एंड वो परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप उसी हिसाब से इसको बेलेंगे। देन नेक्स्ट आप इसको जो भी आपका शेप्स है उसके अकॉर्डिंग इसको कट करेंगे। सो इस तरह से मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ एंड जब आप कट कर लेंगे देन नेक्स्ट जो स्टेप है आप उसके एजेस को अच्छे से स्मूथ बनाएंगे। आप अपने फिंगर टिप्स में थोड़ा सा पाउडर ले सकते हैं, टेलकम पाउडर, एंड इसके जो एजेस है इसको आप इस तरह से स्मूथ बना सकते हैं। सो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से जो एजेस है उसको स्मूथ कर रही हूँ। सो इस तरह से ही आपको करनी है। देन मैं लिप का जो नीचे वाला पोर्शन सी इसके लिए इस तरह से एक कॉयल बनाई हूँ एंड यहाँ पे इसको स्टिक कर रही हूँ। सो नेक्स्ट हम लोग इसको सूखने के लिए आप छोड़ देंगे। तो अगर आपका भी लिप थोड़ा सा बेस के साथ इस तरह से स्टिक हो गया तो आप अपने पैलेट नाइफ के यूज़ से इस तरह से निकाल सकते हैं। अब जितना भी हमारा मोल्डेड बच गया था उससे हम लोग सेकंड वाला लीफ जो है वो बनाएंगे। सो सेकंड वाले लीफ के लिए मैंने यहाँ पे एक पीपल का लीफ लिया था। सो इस तरह से फिर से हम लोग बेल लेंगे, जैसे कि हम लोग फर्स्ट लीफ के केस में जो भी किए थे वी आर जस्ट गोइंग टू रिपीट द सेम एज वेल। सो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है, देन मैं ये लीफ को प्लेस करूँगी, देन मैं इसको कट करूँगी। सो जो भी स्टेप्स हम लोगों ने फर्स्ट लीफ के केस में किया था वो सारे हम लोग यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं। सो अभी जब ये मेरा फर्स्ट वाला लीफ जो है वो थोड़ा बहुत सूखने के स्टेज में आ चुका है, तो मैं यहाँ पे इस पर ये वाला जो है पैलेट नाइफ से स्ट्रक्चर जो है वो मैं क्रिएट कर रही हूँ। सो मैं इस चैनल पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस जैसे कि DIY वीडियोस, इंडियन फोक आर्ट फॉर्म्स के ड्राइंग्स, पेंटिंग्स एंड किड्स के लिए पेंटिंग्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी है वीडियोस मैं लेके आती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये काम अच्छा लग रहा है, मेरा जो DIYs या पेंटिंग्स वगैरह आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो यहाँ पे मैं एक अलग जो है इफ़ेक्ट और अलग स्ट्रक्चर लाने के लिए एक पेन का यूज़ की हूँ। आप देख सकते हैं इसे मैं इस तरह से डॉट्स बना रही हूँ।
सर नेक्स्ट हम लोग जो है ये सूखने के लिए छोड़ देंगे, और ये सूखने के बाद आप देख सकते हैं मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर ले रही हूँ। यहाँ पे मैं राउंड ब्रश नंबर 10 यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी राउंड ब्रश या फ्लैट ब्रश से जो है इसको कलर कर सकते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू ऐड एनी वाटर, हम लोग इस पर कोई पानी ऐड नहीं करेंगे, बस नॉर्मल हम लोग एक्रेलिक कलर लेंगे। मैं यहाँ पे फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर ली हूँ, एंड जो मैंने लीफ बनाया है उसके फ्रंट और बैक साइड बोथ द साइड्स मैं यहाँ पे पेंट कर देने वाली हूँ, और ब्लैक कलर को सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब मेरा ब्लैक कलर जो है सूख चुका है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉल मेटालिक का जो है ब्रॉन्ज कलर वो यूज़ कर रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं दो कलर यूज़ करने वाली हूँ, एक है ब्रॉन्ज और एक है गोल्डन। तो दोनों मैंने पॉल मेटालिक कलर यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे पहले ब्रॉन्ज का ले लिया, फिर इसके जो एजेस है यहाँ पे मैं गोल्डन कलर का ले रही हूँ। सो मैं फिंगर टिप्स में थोड़ा सा कलर लेके इस तरह से जो है एजेस एंड बॉर्डर लाइंस यहाँ पे मैं इस तरह से इफेक्ट दे रही हूँ। आफ्टर दिस हम लोग इसको लगाने के लिए यानी कि इसको एक स्टैंड देने के लिए, या तो आप मोल्डेड का एक छोटा सा वुडन ब्लॉक्स टाइप बना के उस पर ये लगा सकते हैं, या तो फिर इसको कोई भी वुडन ब्लॉक्स अगर आपके पास है तो उसके साथ इसको फिक्स कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं जो फैब्रिक्रिल का एक्रेलिक कलर का जो पुराना बोतल्स था जो जिसमें मेरा एक्रेलिक कलर ख़त्म हो गया था वही मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर द बेस। सो मैं यहाँ पे और थोड़ा सा मोल्डेड ले ली हूँ सो दैट इसको वहीं पे सिक्योर कर लूँगी। सो अगर आपके बोतल में इस तरह से कुछ कलर वगैरह लगा है तो उसको आप क्लीन कर सकते हैं। अंदर का जो है वो मैं क्लीन नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी जो है एक येलो एंड ऑरेंज कलर मुझे बाहर क्लियरली दिख रहा है, तो आई डोंट नीड टू पेंट अगेन। सो मैं इस तरह से ये मोल्डेड लूँगी एंड दोनों को अच्छे तरह से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद इसको अंदर डाल के जो हम लोगों ने लिप्स बनाए हैं उसको वहाँ पे मैंने सिक्योर कर दिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं बाकी जो भी बोतल्स में पेंट्स वगैरह लगा है उसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। एंड देन अगर इसको आप और डेकोरेटिव बनाना चाहते हैं तो फिर आप लेसेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई जूट रोप वगैरह। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से देखिए मोल्डेड जो है इस तरह से लगाया, एंड एक कॉइल बनाएंगे हम लोग एंड इसके चारों तरफ फिर से दे देंगे इस तरह से। जो भी एक्सेस मोल्डेड रहेगा उसको आप निकाल लेंगे। इसको बस हम लोग को सूखने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना टाइम के लिए स्टेबल करके रखना है, अदरवाइज ये जब एक बार स्टेबल हो जाएगा तो ये अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो इस तरह से आप देख सकते हैं मैं किस तरह से डेकोरेट की हूँ ये लीफ।